हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल टेक प्रो गेमिंग। तो आज की स्टूडियो लोग बात करने वाले अपने फ्री फायर में आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में, और उसी के साथ गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमारे फ्री फायर में कौन से न्यू इवेंट और अपडेट आने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस टुनाइट अपडेट को बताने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ अपने फ्री फायर में आने वाले हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट के बारे में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट आने वाला है। तो हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट में आप लोग को सीजन 1 से सीजन 5 तक के सारे बंडल रिटर्न में दिए जाएंगे। तो जैसे गाइस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को सीजन 1 से सीजन 5 तक के सारे बंडल देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो में सुना होगा कि गरीना ने हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट को कैंसिल कर दिया, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गरीना को बस पैसे से मतलब, गरीना हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट अपने गेम के अंदर बहुत जल्दी लेके आने वाला है, जिसमें आप लोग को सीजन 1 से सीजन 5 तक के सारे बंडल अपने गेम के अंदर रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताने की आप लोग को हमारा ये हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट कैसा लगा। तो चलिए गाइस मैं आपको सारे बंडल का रिव्यू करा देता हूँ जो की आप लोग को हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट पर रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोग को गाइस सीजन 1 और सीजन 2 दोनों दिए जाएंगे, यानी आप लोग को सकोरा हिप हॉप बंडल पर रिटर्न दिया जाएगा। और बहुत सारे बंडल तो गाइस हिप हॉप बंडल के लिए इस इवेंट में स्पिन करेंगे। और अगर गाइस आप लोग भी हिप हॉप और सकोरा बंडल निकालने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोग को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस इवेंट में स्पिन ना करना, क्योंकि रिटर्न आने के बाद इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता होगा कि रेड क्रिमिनल रिटर्न आने से पहले बहुत ही ज्यादा रेयर था, जिस बंदे के पास भी रेड क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा प्रो माना जाता था, बट आज के टाइम हम लोग देखे तो रेड क्रिमिनल की कोई भी वैल्यू नहीं है। और गाइस जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अरीना ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि हम लोग जो ओल्ड इलाइट पास उसे रिटर्न नहीं ला रहे, क्योंकि हम लोग अपने ओल्ड प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे गेम स्टार्टिंग से खेल रहे हैं। बट गाइस गरीना यहाँ कहाँ मानने वाले थे, गरीना को तो ऑडियंस का चूतिया काटना है, इसलिए वो सीजन 1 से सीजन 5 तक के सारे इलाइट पास को रिटर्न दे रहा है। और गाइस गरीना इसीलिए सीजन 1 से सीजन 5 तक के इलाइट पास को रिटर्न दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर और इसको निकालने के लिए बंदे टॉप अप करेंगे ही करेंगे। और गाइस इस इवेंट में आप लोग के एक बंडल निकालने के लिए कम से कम 2500 डायमंड लगेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग के एक स्पिन पूरे 2500 डायमंड की लगेगी, जिसमें से आप लोग का सीजन 1 से सीजन 5 तक का बंडल मिल सकता है। और अगर आप लोग को अपना कोई पर्सनल फेवरेट बंडल निकालना, तो आप लोग के पास कम से कम 10 से 15 हजार डायमंड होने चाहिए, तभी आप लोग अपना पर्सनल फेवरेट बंडल निकाल सकते हो, अपने हिप हॉप और सकोरा बंडल निकाल सकते हो। और गाइस मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस इवेंट में स्पिन ना करना, क्योंकि अगर आप लोग को हिप हॉप बंडल मिल भी गया तो फिर भी उसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ अपने हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट के कन्फर्म डेट के बारे में। तो गाइस आप लोग को अपना हॉल ऑफ इलाइट पास इवेंट जनवरी मंथ में अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग में से कितने बंदों के पास हिप हॉप और सकोरा बंडल पहले से है, और आप लोग इस इवेंट के लिए गरीना को कितनी गाली देना चाहते हो। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ अपने फ्री फायर में आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा, करंटली अपने गेम के अंदर फुटबॉल का इवेंट चल रहा है, तो उसी इवेंट से रिलेटेड कल अपने गेम के अंदर एक न्यू इवेंट आने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कल 9 दिसंबर के दिन अपने गेम के अंदर एक न्यू इवेंट आने वाला है, जिसमें से आप लोग को एक एक्टिव रिवॉर्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कल 9 दिसंबर के दिन अपने गेम के अंदर एक न्यू इवेंट आने वाला है, जिसमें आप लोग के बैकपैक की स्किन बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, जो की बिल्कुल टट्टी है। आप लोग को बस बीआर रैंक में कुछ टाइम के लिए गेम प्ले करना होगा, आप लोग की बैकपैक की स्किन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। सो गाइस आज की टुनाइट अपडेट की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।